हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सबके सब बहुत बढ़िया होंगे। सबसे पहले आप सबका स्वागत है टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट से लेके एंड तक सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। हर टॉपिक के ऊपर हमने चुन चुन के ऐसे एग्जाम्पल्स लिए हैं, क्योंकि हमें इस सेशन को लिमिटेड रखना है। ऐसा भी नहीं कि सेशन बहुत लंबा चले जाए। ये सेशन का पर्पस इतना सा है कि आप लोग एग्जाम से पहले अगर 40-45 मिनट में पूरा पूरा टॉपिक रिवाइज करना चाहते हो तो वो रिवाइज कर सको। सो दैट इज द पर्पस ऑफ दिस सेशन। तो इसलिए हमने कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस लिए हैं, बट हर सवाल इस तरीके से लिया है कि वो आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें सिखाए। ठीक है, तो सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्टिंग विद रेट मेजर्स एरर एंड अप्रोक्सीमेशन, इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने लिए हैं। देन टेंजेंट्स एंड नॉर्मल के डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के क्वेश्चंस। देन मीन वैल्यूज थ्योरम, जिसके अंदर रोल्स थ्योरम एंड एलएमवीटी थ्योरम के बारे में देखेंगे हम लोग। फर्स्ट डेरिवेटिव्स टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव्स टेस्ट एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा के साथ में ये चैप्टर हम समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत किया जाए। सबसे पहले रेट मेजर के क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक वेरिएबल दे रखा होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हमें दूसरा वेरिएबल निकालना है, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं जेई मेंस के अंदर। तो अगर इस टाइप का सवाल आता है तो आपको बिल्कुल डेफिनेटली करके आना है ना। देखिए पहला सवाल, इफ रेडियस ऑफ ए सर्कल इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब डी आर बाई डी टी दे रखा है सर्कल के बारे में ना, कि -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड डी आर बाई डी टी चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज, है ना। क्या पूछा गया, कौन सी रेट पूछी गई है, रेट ऑफ डिक्रीज पूछा गया है ऑफ सर्कल व्हेन रेडियस इज 20 सेंटीमीटर। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि भाई एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में रिलेट कर दो, आपने एरिया और आर को रिलेट कर दिया, आप दोनों साइड सिंपली डिफरेंशिएट कर दो। डी आर बाई डी टी दे रखा है, डी ए बाई डी टी आ जाएगा डिफरेंशिएट करते ही। ठीक है, तो डी ए बाई डी टी की वैल्यू आ रही है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी पाई टाइम्स आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r इंटू डी आर बाई डी टी। यहां पे चेन रूल लग रहा है, देखो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r इंटू द डिफरेंशिएशन ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी आर बाई डी टी की वैल्यू गिवन है -2, ओके, रेडियस गिवन है, रेडियस इज 20, तो डी ए बाई डी टी की वैल्यू आ गई पाई टाइम्स 2 टाइम्स, रेडियस की जगह 20 रख दिया, डी आर बाई डी टी की वैल्यू -2 रख दी, तो ये आ रहा है -80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, दैट इज द डी ए बाई डी टी। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया डी ए बाई डी टी, है ना, हमने जो निकाला है अभी That is rate of change of area, but पूछा क्या गया है, rate of decrease of area पूछा गया है। तो आप answer option B नहीं लगाओगे। Option B तब लगाते हैं जब rate of change of area पूछा जाता है ना, तब ठीक है -80 पाई सेंटीमीटर, क्योंकि ये minus हमें ये दिखा रहा है कि भाई decrease हो रहा है, but पूछा ही जब rate of decrease गया है तो यहां पे answer लगाएंगे 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, that will be our answer option C। देखो फिर से बताता हूं, रेट ऑफ चेंज पूछा जाता तो माइनस लगाते हैं, बट रेट ऑफ डिक्रीज ही पूछा गया है तो यही आ जाएगा, है ना, क्लियर है। चलिए, अ वाटर टैंक हैज शेप ऑफ एन इन्वर्टेड सर्कुलर कोन। ठीक है, सर्कुलर कोन के ऊपर भी हम पास्ट ईयर में देखे तो बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं और बहुत सिंपल है। ओके, इसके डायमेंशन हमें दे रखे है ना कि इसका जो सर्कुलर टॉप ओपनिंग है उसकी रेडियस 2 मीटर है एंड हाइट इज 4, तो दिस इज 2 एंड द हाइट इज 4, ये दो बातें हमें इसके बारे में बता रखी है। इफ वॉटर इज बींग पंप्ड इन टू द टैंक एट अ रेट ऑफ 2 मीटर क्यूब पर मिनट, डीवी बाई डी टी की वैल्यू गिवन है ना, डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू 2 मीटर क्यूब पर मिनट, फाइंड रेट एट विच वॉटर लेवल इज राइजिंग वेन वॉटर इज 3 मीटर डीप, कि जब वॉटर 3 मीटर डीप है बच्चा बाटी, है ना, आज ब्लू है पानी 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 है ना, तो पानी जब देखो कितना 3 है ना, 3 मीटर डीप है। ओके, इफ वाटर इज बीइंग पंप्ड इनटू द टैंक एट अ रेट ऑफ 2 मीटर क्यूब पर मिनट, फाइंड रेट एट विच वाटर लेवल इज राइजिंग व्हेन वाटर इज 3 मीटर डीप, है ना, 3 मीटर गहरा पानी है, तब हमें क्या बताना है, डीएच बाई डी टी हमें बताना है। ठीक है, डीएच बाई डी टी की वैल्यू अपने को बतानी है। ओके बच्चा पार्टी, ओके नाउ, तो मान लिया कि इस टाइम पे एग्जैक्टली इस मोमेंट पे ये जो हाइट है वो h है एंड रेडियस r है। ठीक है, वॉल्यूम अपन लोग लिखते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 πr² × h। ठीक है, 1/3 ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर,
फोन का जो वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है, ठीक है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन। ओके, अब आर भी बदल रहा है, एच भी बदल रहा है, क्योंकि देखो वाटर पंप किया जा रहा है इसके अंदर, है ना। तो आर भी चेंज हो रहा है, हाइट भी चेंज हो रही है, दोनों चेंज हो रहा है चीजें। तो अगर मैं डायरेक्टली दोनों साइड डिफरेंशिएट करूं तो यहां पे राइट हैंड साइड में दो वेरिएबल बैठे हैं, आर भी एक वेरिएबल है, एच भी एक वेरिएबल है, बोथ आर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सो आई वॉन्ट टू फाइंड डी एच बाई डी टी। तो राइट हैंड साइड में आर और एच को हम एक्सप्रेस कर देंगे। देखो कि इसके अंदर हमें पता है कि आर बाई एच सिमिलैरिटी भी यूज करेंगे, तो आर अपॉन एच इज इक्वल टू 2/4, राइट। R अपॉन एच इज इक्वल टू 2/4। सिमिलैरिटी हमने यूज करी है, एक तो ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, एंड ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, तो इसके बीच में अगर सिमिलैरिटी यूज करें तो R बाई एच इज इक्वल टू 2/4। तो R की वैल्यू हो गई h बाई 2, है ना। R इज इक्वल टू h बाई 2, R की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे h बाई 2। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, मतलब h बाई 2 का स्क्वायर इंटू h, तो विच इज इक्वल टू 1/3। डिनोमिनेटर में 4 बन रहा है, 4 3 12 लिख देता हूं मैं, है ना, 1/12 इंटू पाई इंटू एच क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम आ चुका है 1/12 पाई एच क्यूब, ठीक है। अब डायरेक्टली दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दो, डीवी बाई डी टी की वैल्यू पता है, डी एच बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी। तो डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विल गेट, लेफ्ट हैंड साइड में डीवी बाई डी टी बनेगा, राइट हैंड साइड में 1/12 पाई एच क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3h² इंटू डी एच बाई डी टी, ठीक है। एच क्यूब का डिफरेंशिएशन 3h² इंटू डी एच बाई डी टी। डीवी बाई डी टी की वैल्यू पता है 2, तो डीवी बाई डी टी की वैल्यू 2 रख देंगे। हाइट उस मूवमेंट में कितनी है, कि वेन वॉटर इज 3 मीटर डीप, मतलब उस मूवमेंट में जो हाइट है दैट इज 3, तो h की जगह पे यहां पे 3 रख देंगे बच्चा पार्टी, और इधर से डी एच बाई डी टी की वैल्यू आती हुई दिखाई देगी। तो इस टाइप से अपन इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल कर लेते हैं बड़ी इजीली। ये भी देख सकते हैं, अ लैडर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल विद द लोअर एंड ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, द लोअर एंड ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। देयर इज अ लैडर जो है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, है ना। तो इसका ये हॉरिजॉन्टल सपोज ये एक्स बना रहा है, तो हॉरिजॉन्टली ये कितना पुल हो रहा है ना, वो हमें दे रखा है, ठीक है, कि द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट अ रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू 3 दे रखी है। ओके, फाइंड द रेट एट विच द अपर एंड इज डिक्रीजिंग डिसेंडिंग, है ना। अपर एंड किस रेट पे डिसेंड हो रहा है, किस रेट पे ये नीचे आ रहा है, वो हमें पूछा गया है। मतलब अगर इसको मैं वाई मानूं तो बेसिकली डी वाई बाई डी टी की वैल्यू पूछी गई है, है ना। डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू दे रखी है, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू पूछी गई है। तो सबसे पहले एक्स और वाई के टर्म्स में एक रिश्ता बना लो, एक रिलेशन बना लो, है ना। तो रिलेशन हमें दिख रहा है पाइथागोरस थ्योरम, x² + y² बराबर 10² दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो x² का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, y² का डिफरेंशिएशन 2y इंटू डी वाई बाई डी टी, 10² का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, है ना। 2 आप लोग कैंसिल आउट कर सकते हो, इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। ओके, x की वैल्यू क्या दे रखी है, क्या एट दैट एग्जैक्ट मूवमेंट x कितना है, y कितना है, वो हमें लिखना है। डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, यहां पे ये है डी एक्स बाई डी टी। ओके, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू गिवन है ना, कि डी एक्स बाई डी टी इज 3, तो इसकी जगह पे अपन लोग 3 रख देंगे। एक्स की वैल्यू गिवन है, ठीक है, फाइंड द रेट एट विच द अपर एंड इज डिसेंडिंग इफ अपर एंड इज एट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द वॉल। अपर एंड जब 6 हो, मतलब जब वाई की वैल्यू 6 हो, और अगर वाई 6 होगा तो एक्स कितना हो जाएगा, एक्स 8 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से अपन निकाल सकते हैं कि 10² - 6² का अंडर रूट दैट विल बी 8। तो एट दैट मोमेंट एक्स इज 8, है ना, तो एक्स की जगह 8 रख देंगे। तो 8 × 3 + y की वैल्यू अपन लोग 6 रखने वाले हैं, 6 × dy/dt। तो इधर से अपने को dy बाई डी टी की वैल्यू निकालनी है, dy बाई डी टी की वैल्यू आते हुए दिखाई दे रही है ना, कि इट इंप्लाइज dy बाई डी टी इज इक्वल टू -24 divided by 6।
तो दैट विल बी माइनस फोर, है ना, डीवाई बाई डी टी की वैल्यू माइनस फोर, तो रेट ऑफ डिसेंड जो होगा किस रेट से नीचे आ रहा है, दैट इज 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, क्लियर है, सिंपल है। चलिए नाउ एरर्स वाले जो सवाल होते हैं उसके अंदर हमें सिंपल सा फंडा ये ध्यान में रखना है कि भाई dy by dx को approximately upon delta y by delta x लिख सकते हैं, जहां पे delta y delta x एक बहुत ही small change है, ठीक है। तो dy by dx is approximately equal to delta y by delta x, बस इस चीज को ध्यान रखो और इसके क्वेश्चन हमारे सामने हो जाएंगे। Find approximate change in volume of cube of side x centimeter caused by 1% increase in side। ओके, तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है एक्स क्यूब, है ना, माना जो इनिशियली वॉल्यूम है क्यूब का दैट इज एक्स क्यूब, साइड में 1% का इंक्रीज आ गया ना, मतलब जो डेल्टा एक्स है, एक्स में जो चेंज है, डेल्टा एक्स इज 0.01 ऑफ एक्स, है ना, 1% ऑफ एक्स, दैट इज डेल्टा एक्स, ठीक है। हमें चेंज इन वॉल्यूम का परसेंटेज बताना है कि किस परसेंटेज से वॉल्यूम बदल रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम। तो परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम इज बेसिकली हमसे पूछा गया है डेल्टा वी बाई वी इन टू 100, इसकी वैल्यू पूछी गई है ना, दैट इज आर क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू फॉर डेल्टा वी बाई वी इन टू 100, परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम, राइट। ओके, तो अगर वी ये है तो डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वॉट 3x², है ना, डीवी बाई डी एक्स बराबर 3x², x cube का differentiation with respect to x, that will be 3x², और simple सी बात यही है कि भाई dv by dx को ही अपन approximately delta v by delta x लिख सकते हैं, dv by dx is approximately delta v by delta x, तो delta v यहां से मिल रहा है हमारे पास, delta v is equal to 3x² into delta x, delta v is equal to 3x² into delta x, okay, तो delta v की value यहां पर रख देते हैं अपन, तो जो पूछा गया है डेल्टा वी की वैल्यू हो गई 3x² इंटू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम इज एक्स क्यूब, ओके, मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हमसे पूछा गया है, है ना, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब कैंसिल आउट होके डिनोमिनेटर में x बचेगा, डेल्टा x की वैल्यू पता है ना कि चेंज इन साइड इज 1% हो गया, मतलब 0.01, कि डेल्टा x इज 0.01 ऑफ x, ओके, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.01 रख देंगे, तो 3 इंटू 0.01 इंटू एक्स, दैट इज द वैल्यू फॉर डेल्टा एक्स, डिनोमिनेटर में एक्स लिखा ही है, मल्टीप्लाइड बाई 100, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट 3, है ना, सो परसेंटेज चेंज इज 3%, है ना, सो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम विल बी 3%, सिंपल है, क्लियर है। तो यहां पे सिंपल सा फंडा ये था कि भाई dv बाई dx निकाला, dv बाई dx को ही अपन अप्रोक्सीमेटली डेल्टा v बाई डेल्टा x लिख सकते हैं, तो इस तरीके के अपन एरर वाले अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं। ओके, लेट्स मूव अहेड। फाइंड अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ ए मेटल इन अ होलोस्फेरिकल शेल हुज इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई आर 3 and 3.0005 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, है ना, एक होलोस्फेरिकल शेल है, ठीक है, है ना, तो मतलब दिस इज द वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम इतना ही होने वाला है, ओके, और डेल्टा आर हमें दे रखा है, डेल्टा आर इज 0.0005, दैट इज डेल्टा आर चेंज इन द रेडियस, है ना, कि इनर रेडियस 3 है, आउटर रेडियस 3.0005 है, ओके, वॉल्यूम लिख सकते हैं अपन, एक होलो सर्कल का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³, राइट, 4/3 πr³, That is the volume of holosphere, है ना, sphere का volume हो गया अपने पास यहाँ पे, ठीक है, sphere का volume generally ये रहता है 4/3 πr³, okay, dv by dr हम लोग निकाल लेंगे कि dv by dr is equal to 4/3 πr³ का differentiation यहाँ पे 3r² हो जाएगा, okay, 3 से 3 हमने इधर से उड़ा दिया, तो ये बन रहा है 4πr² 4πr² दैट इज dv बाई डी आर, एंड dv बाई डी आर को ही अपन अप्रोक्सीमेटली डेल्टा v बाई डेल्टा आर लिख सकते हैं, ठीक है, डेल्टा v बाई डेल्टा आर, तो जो डेल्टा v आ गया, डेल्टा v इज इक्वल टू 4πr² इंटू डेल्टा आर, ठीक है, दैट इज डेल्टा v, तो दिस इज द वॉल्यूम, है ना, यही हमारा वॉल्यूम हो गया कि भाई दिस इज डेल्टा v, कि इधर से इधर तक कितना वॉल्यूम में फर्क पड़ा है ना, इस येल्लो सर्कल से स्प्रिंग सर्कल पे जाए तो वॉल्यूम में कितना चेंज आया, दैट इज डेल्टा वी, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस
है ना, होलोस्फेयर, यही अपने पास वॉल्यूम आ जाएगा होलोस्फेयर का, है ना। तो 4 पाई r² r की वैल्यू, r की वैल्यू 3 है, 3² डेल्टा r कितना 0.0005। ओके, तो दैट इज आवर आंसर। ये अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सिंपल है। चलिए नाउ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक सवाल तो ये हो गया कि भाई हमें पॉइंट दे दिया कर्व के ऊपर ही, है ना, कि पॉइंट x1 y1 कर्व के ऊपर ही प्रोवाइड कर दिया, तो कर्व को डिफरेंशिएट करके मैं dy बाई dx निकाल सकता हूं। dy बाई dx एट x1 y1, वो अपन इजिली निकाल सकते हैं कर्व को डिफरेंशिएट करके। वही हमारे पास आ जाएगी स्लोप ऑफ दी टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई, पॉइंट पता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं। वैसे ही अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछी गई है ना, सपोज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमसे यहां पे पूछ ली गई, तो इधर क्या करेंगे अपन लोग कि भाई नॉर्मल की, है ना, टेंजेंट की स्लोप आ चुकी है तो नॉर्मल की स्लोप पता है। अगर टेंजेंट की स्लोप m है तो नॉर्मल की स्लोप -1/m आ जाएगी। पॉइंट फिर से वही सेम है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बड़े ही आसान से सवाल होते हैं, तो एक तो इस टाइप के सवाल बन गए, ठीक है। पहले वो देख लेते हैं। इफ द नॉर्मल टू द कर्व y² = 5x - 1 एट द पॉइंट 1, -2 इज ऑफ द फॉर्म ax - 5y + b = 0, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ओके, तो इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल के बारे में हमें बता रखा है ना। टेंजेंट की स्लोप में निकाल सकता हूं इस पॉइंट के ऊपर, दोनों को डिफरेंशिएट किया तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y (dy/dx), 5x का डिफरेंशिएशन 5 हो जाएगा, है ना। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लिख दिया, 5x का हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन लिख दिया। y कोऑर्डिनेट एक्जैक्टली उस पॉइंट पे कितना है, -2, तो y की जगह पे -2 रख देंगे, तो dy/dx की वैल्यू मिल रही है -5/4 -5। तो दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट -5/4 आ रही है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल अपने पास आ जाएगी 4/5, है ना, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज गोइंग टू बी -1 इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज गोइंग टू बी y - y1, पॉइंट ये रहा, स्लोप ये रही, तो y - -2 इज इक्वल टू m टाइम्स 4/5 टाइम्स x - 1। ओके, सो y + 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 4x - 4 बन रहा है। सबको एक साइड में लेके आए, ठीक है, तो सबको राइट हैंड साइड में भेज दो, तो 4x - 5y + 5y राइट हैंड साइड में गया, तो -5y + 10, -4 ऑलरेडी है, तो -10 - 4 - 14 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब यहां से a एंड b को कंपेयर किया जा सकता है कि देख सकते हैं a की वैल्यू 4 आ रही है, b की वैल्यू -14 आ रही है, है ना, a = 4 b = -14, ठीक है, सिंपल है। ओके, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व विच इज नियरेस्ट टू x + y = 7। ये दूसरे टाइप के सवाल बनते हैं जिसके अंदर हमें पॉइंट कर्व के ऊपर नहीं दिया हो। पॉइंट अगर कर्व के ऊपर दे रखा है तो सवाल बहुत ईजी है, कुछ नहीं है क्वेश्चन। अगर पॉइंट हमें कर्व के ऊपर नहीं दे रखा हो, ठीक है, जबकि टेंजेंट की स्लोप प्रोवाइड कर दी है ना, कि टेंजेंट की स्लोप हमें प्रोवाइड कर रखी है। ओके, क्योंकि इस क्वेश्चन का मतलब यही हुआ कि इस कर्व के, जैसे ये कर्व हमारे पास वैसे तो एलिप्स बन रहा है, बाकी नहीं भी पता हो कौन सा कर्व हो, स्टैंडर्ड नहीं भी हो तो भी चलेगा। ओके, तो विच इज नियरेस्ट टू द लाइन x + y = 7। तो x + y = 7 के जो नियरेस्ट पॉइंट होगा ना, वो ये वाला पॉइंट होने वाला है x1, y1 या α, β, है ना, ये वो पॉइंट होगा जहां पे टेंजेंट की स्लोप इस लाइन के पैरेलल होगी। वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन, दैट पॉइंट विल बी द नियरेस्ट। ये नियरेस्ट पॉइंट हमारे सामने होने वाला है, ठीक है। ओके, तो हमें पता है कि यहां पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है इस लाइन की, स्लोप वी कैन सी दैट स्लोप ऑफ दिस लाइन इज -1, तो यहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट भी क्या -1 होने वाली है। तो इस क्वेश्चन को वैसे तो कोनिक सेक्शन से भी जाया जा सकता है, अगर आप स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद रखो कि एलिप्स के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन क्या रहती है, वो अगर डायरेक्टली याद है तो इस क्वेश्चन को पूरा पूरा कोनिक सेक्शन से हम लोग ले जा सकते हैं। दूसरा तरीका हो गया इस क्वेश्चन को कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से देखते हैं कि दोनों साइड मैंने डिफरेंशिएट किया है ना, तो ये बन रहा है देखो 2x + y² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4y, है ना, 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 2 × 2 = 4, 4y (dy/dx) इज इक्वल टू 6 का डिफरेंशिएशन 0। हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में x² का डिफरेंशिएशन 2x, y² का डिफरेंशिएशन 2y (dy/dx). अब dy/dx की वैल्यू हमें पता है,
माइनस वन है, dy by dx is equal to minus 1, okay? And x and y की जगह पॉइंट अल्फा एंड बीटा रख देंगे, x की जगह अल्फा, y की जगह पे बीटा पॉइंट है, तो अपने पास एक रिलेशन आ रहा है कि 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस 4 बीटा माइनस 4 बीटा बराबर 0, दिस इज द रिलेशन वी आर गेटिंग, है ना, कि 2 अल्फा माइनस 4 बीटा बराबर 0, तो इधर से अल्फा बराबर 2 बीटा आ रहा है, तो अल्फा एंड बीटा के टर्म्स में एक रिलेशन मिल गया, दूसरा रिलेशन और मिल जाएगा अल्फा एंड बीटा के टर्म्स में, क्योंकि अल्फा बीटा लाइज ऑन दिस कर्व, सो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ दिस कर्व, तो अपन इसको यहां पे सेटिस्फाई करें तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर बराबर 6, ठीक है, क्लियर है, हाँ जी, तो अब अल्फा की वैल्यू यहां पे 2 बीटा रख देंगे तो ये बनेगा 2 बीटा का स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर बराबर 6, अल्फा की जगह पे 2 बीटा रखा तो ये 4 बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर विच इज 6 बीटा स्क्वायर बराबर 6, तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, बीटा स्क्वायर की वैल्यू 1 मतलब बीटा बराबर प्लस माइनस 1, ऐसा सा मिल रहा है, तो बीटा की दो वैल्यूज आ रही है ना, अल्फा की भी दो वैल्यू आ जाएगी इस रिस्पेक्ट में, कि जब बीटा की वैल्यू 1 रखें, व्हेन यू पुट बीटा एज 1 अल्फा विल बी 2, एंड जो पॉइंट है अगर बीटा की वैल्यू माइनस 1 रखोगे, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू माइनस 2, तो ये दो पॉइंट्स आ रहे हैं, एंड ऑब्वियस सी बात है आएंगे भी, देखो दो ऐसे पॉइंट्स होने वाले हैं जहां पे टेंजेंट की स्लोप माइनस 1 हो जाए, है ना, टेंजेंट की स्लोप माइनस 1 हो जाए, ऐसे दो पॉइंट होंगे, बट इसमें से जो नियरर पॉइंट होगा उसमें से तो वो एक ही होगा ना, वन ऑफ द पॉइंट विल बी नियर टू दिस लाइन, ठीक है, तो कौन सा पॉइंट नियर है, या तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो कि 2, 1 की इस लाइन से डिस्टेंस निकाल के देख लो, -2, -1 की इस लाइन से डिस्टेंस निकाल के देख लो डिस्टेंस किसकी ज्यादा कम आ रही है, ठीक है, तो अगर मैं डिस्टेंस ऑफ 2, 1 निकालूं, तो डिस्टेंस ऑफ 2, 1 की, अगर 2, 1 की मैं डिस्टेंस निकालना चाहता हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू दिस लाइन, लाइन इज x प्लस y माइनस 7 बराबर 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, 2, 1 से यहां पे डिस्टेंस आएगी कि मॉड्यूलस ऑफ, आप ये पॉइंट को इस लाइन की इक्वेशन में रखोगे तो ये बनेगा, देखो 2 + 1 - 7 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ कोफिशियंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ y का स्क्वायर, है ना, 1 + 1, तो विच इज इक्वल टू 2 + 1 = 3, 7 - 3 = 4, मॉड्यूलस ऑफ, है ना, दैट विल बी 4 / √2, तो ये 4 / √2 आ रहा है, याद है ना, स्ट्रेट लाइन के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि किसी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस निकालनी हो तो पॉइंट को इस लाइन की इक्वेशन में रखो, इसका मॉड्यूलस डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेर ए इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स, बी इज द कोफिशियंट ऑफ वाई इन द इक्वेशन ऑफ लाइन, ओके, सो 4 / √2, है ना, मतलब 2 √2, ये अपने पास आ गया 2, 1 से डिस्टेंस, वैसे ही अगर मैं -2, -1 से डिस्टेंस निकालना चाहूं इसी लाइन की, -2, -1, तो मॉड्यूलस ऑफ -2, -1 इस लाइन की इक्वेशन में रखूंगा, तो देख लो चीजें ऐड हो जाएगी, तो यही जो डिस्टेंस आएगी -2, -1, -3, -7, माइनस, है ना, देखो यहां पे बन रहा है -3, -7, 10, मॉड्यूलस ऑफ दैट विल बी 10 / √2, ये डिस्टेंस आ रही है 10 / √2, 2, 1 से डिस्टेंस आ रही है 4 / √2, तो ऑफकोर्स विच पॉइंट इज नियरर, दिस पॉइंट इज नियर, है ना, 2, 1 ज्यादा करीब का पॉइंट होगा, तो दैट इज आर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके, सिंपल है, तो इट्स द पॉइंट वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, वो पॉइंट जहां पे टेंजेंट पैरेलल हो गिवन लाइन के, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंस टू वाई स्क्वायर, वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 9 थ्रू ऑरिजिन आर गिवन, इस टाइप के सवाल जिसके अंदर हमें पॉइंट बाहरी पॉइंट दे रखा हो ना, ठीक है, जैसे ये एक कर्व दे रखा है ऑरिजिन से 0, 0 से, वैसे तो ये वर्टिकल पैराबोला है बट कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमें, ओके, तो किसी बाहरी पॉइंट से हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी कर्व के ऊपर, तो अगर पॉइंट बाहर का दे रखा हो, टेंजेंट की इक्वेशंस पूछी हो, तो कैसे हमें प्रोसीड करना है, देखो इस तरीके से समझेंगे आप लोग, कि पहले तो एक पॉइंट एज्यूम कर लेंगे इस कर्व पे पैरामेट्रिक फॉर्म में, है ना, एज्यूम ए पॉइंट ऑन द कर्व, तो किसी भी कर्व पे अगर पॉइंट एज्यूम करना होता है तो जैसे एक्स कोऑर्डिनेट को टी मान लिया, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल ली टी के टर्म्स में, कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट को टी मानता हूं, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट को टी माना जाए तो वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस 9 आएगा बच्चा पार्टी, राइट, एक्स की जगह टी रखा, वाई की जगह पे आ गया टी स्क्वायर प्लस 9, इन दोनों पॉइंट्स को यूज करते हुए स्लोप लिख सकते हो,
ठीक है, कि स्लोप ऑफ ओ ए दैट इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, मतलब टी स्क्वायर प्लस नाइन माइनस जीरो अपॉन टी माइनस जीरो, है ना, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, इन दोनों पॉइंट्स को यूज करते हुए स्लोप लिख दिया। और साथ के साथ आप इस कर्व को डिफरेंशिएट करके स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लोगे, है ना, दैट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट टी कॉमा टी स्क्वायर प्लस नाइन, है ना, डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट टी स्क्वायर कॉमा टी स्क्वायर प्लस नाइन। तो डी वाई बाई डी एक्स चलिए निकालते हैं, कर्व की इक्वेशन दे रखी है वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स मिल रहा है। ठीक है, हमें डी वाई बाई डी एक्स कौन से पॉइंट पे चाहिए, अपने को डी वाई बाई डी एक्स चाहिए जहां पे एक्स कोऑर्डिनेट टी हो, वाई कोऑर्डिनेट टी स्क्वायर प्लस नाइन हो। तो एक्स की जगह पे अगर मैं टी रखता हूं तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू टी आ जाएगी। तो दिस इज द वैल्यू फॉर डी वाई बाई डी एक्स, तो इसकी वैल्यू मैंने यहां पे रख दी, टू टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस नाइन डिवाइड बाई टी। ओके, तो कभी भी अगर कोई भारी पॉइंट दे रखा होता है, कर्व के ऊपर एक पॉइंट एज्यूम करेंगे, इन दोनों की स्लोप लिख देंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, फिर कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे dy by dx एंड dy by dx की वैल्यू निकाल लेंगे इस पॉइंट पे, तो dy by dx को इक्वेट कर दिया। ठीक है, तो यहां से t की वैल्यू आ जाएगी, ओके, कि t स्क्वायर प्लस 9 बराबर 2t स्क्वायर, तो t स्क्वायर की वैल्यू 3 आ रही है, मतलब t की वैल्यू यहां से प्लस माइनस 3 आ रही है, और दो वैल्यूज आनी भी चाहिए t की, क्योंकि देखो दो टेंजेंट्स हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं ना इस पॉइंट से, दो टेंजेंट्स आ सकती है, दो टेंजेंट्स आ सकती है, तो टी की दो वैल्यू आ गई, टी की इन दोनों वैल्यूज पे अलग अलग स्लोप मिल रही है, है ना, एक तो इस टेंजेंट की स्लोप, दूसरा इस टेंजेंट की स्लोप मिल जाएगी एम वन एंड एम टू, तो स्लोप है कितनी, डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल है ना, यही तो स्लोप है, डी वाई बाई डी एक्स एट टी विच इज इक्वल टू टू टी, तो स्लोप इज टू टी, है ना, हमने निकाल रखा है। t की वैल्यू जब प्लस थ्री रखा तो स्लोप की वैल्यू सिक्स आ गई, t की वैल्यू माइनस थ्री रखोगे तो स्लोप की वैल्यू माइनस सिक्स आ जाएगी, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स आर सिक्स एंड माइनस सिक्स, है ना, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई। स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है, पॉइंट पता है, ओरिजिन, ओरिजिन से जो भी लाइन जाती है वो y बराबर एम एक्स फॉर्मेट की होती है, m की वैल्यू प्लस सिक्स या माइनस सिक्स आ रही है, तो y बराबर सिक्स एक्स एंड y बराबर माइनस सिक्स एक्स, दीज आर द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो बाहरी पॉइंट से जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसको अपन इस तरीके से हैंडल करते हैं। अब फिर अगला टॉपिक जिसके अंदर हमसे पूछा जाए एंगल बिटवीन द टू कर्व्स, दो कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों कर्व्स के बीच का एंगल निकालना है, तो बेसिकली दैट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, है ना, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना पड़ेगा, या तो दे रखा हो, नहीं दे रखा हो तो दोनों कर्व को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे तो डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेना इस कर्व पे, है ना, जैसे m1 बराबर f डैश x आ जाएगा, ये वाला कर्व f x है, तो वैसे ये जो m2 है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस कर्व m2 बराबर, ये कर्व y बराबर gx है, तो इसका डिफरेंशिएशन g डैश x1, ठीक है, एट दिस पॉइंट m1 m2 पता है, दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल हो जाएगा tan थीटा बराबर मॉड्यूलस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी, अगर दोनों कर्व ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, मतलब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो प्रोडक्ट ऑफ दी स्लोप्स विल बी इक्वल टू माइनस वन, पता है ये बात, है ना। सो फाइंड एक्यूट एंगल बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, तो सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि ये दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट कहां पे कर रहे हैं, ठीक है, कहां पे ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ग्राफ से भी जा सकते हैं, है ना, कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस प्रकार से पड़ता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सही बात है, अपवर्ड पैराबोला, वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको वन यूनिट से अपन लोग नीचे ले आएंगे, है ना, वन सब्ट्रैक्ट किया तो इसको वन यूनिट से नीचे लेके आ गया, ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन, फिर उसका मॉड्यूलस लेंगे तो नेगेटिव वाले पोर्शन को रिफ्लेक्ट कर देंगे पॉजिटिव साइड में, है ना, नेगेटिव वाले पोर्शन को रिफ्लेक्ट कर दिया पॉजिटिव साइड में, ठीक है, तो चलिए इसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो ये x बराबर है ना, ये वन यूनिट पे यहां पे कट कर रहा है, ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये x एक्सिस को कट करेगा माइनस वन एंड वन पे, है ना,
x बराबर माइनस वन एंड x बराबर वन पे y की वैल्यू जीरो आ रही है, तो इधर इधर ये कट करता हुआ पाया जाएगा। वैसे ही y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सेम इसी तरीके से कि ये जो ग्राफ होगा माइनस रूट थ्री एंड प्लस रूट थ्री पे कट करता हुआ, x एक्सिस को माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री पे एंड x बराबर जीरो पे y की वैल्यू थ्री यूनिट है, ठीक है। x एक्सिस को माइनस रूट थ्री एंड प्लस रूट थ्री पे ये कट कर रहा है, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, एक तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया दोनों कर्व का, दूसरा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस पे एंगल बताना है कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या है इन दोनों कर्व्स का, ठीक है। तो dy by dx इस वाले कर्व पे, dy by dx इस वाले कर्व पे, दोनों पे निकाल के m1 m2 की वैल्यू निकाल के आगे आपको पता है। तो सबसे पहले तो हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मांगता है, ठीक है। वी वॉन्ट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कि ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसके लिए दोनों कर्व को सॉल्व किया, मतलब मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन को अगर मैं मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री से इक्वेट करूं, दोनों को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान रखें कि अगर मॉड्यूलस ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ बी दे रखा है, तो ए की वैल्यू प्लस माइनस बी हो सकती है ना, ए कैन बी इक्वल टू प्लस बी और ए कैन बी इक्वल टू माइनस बी। तो यहां पे भी वही चीज कि एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, प्लस वाला केस लेने पे तो कोई सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, है ना। प्लस वाला केस लोगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, कोई सॉल्यूशन मिला नहीं। माइनस वाला केस लिया, ठीक है, तो यहां से सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, कि माइनस एक्स स्क्वायर इस साइड जाके ये प्लस टू एक्स स्क्वायर बन जाएगा। राइट हैंड साइड में देखो प्लस थ्री प्लस वन प्लस फोर बनेगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू टू, मतलब एक्स की वैल्यू प्लस माइनस रूट टू। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल रहा है यहाँ पे, ये पॉइंट हो गया प्लस रूट टू, दिस पॉइंट इज माइनस रूट टू। तो किसी भी एक पॉइंट पे dy by dx निकाल लो दोनों कर्व के लिए, कि यहां पे मैं प्लस रूट टू के ऊपर dy by dx निकाल लेता हूं दोनों कर्व के लिए, ओके बचा बाटी। तो रूट टू पे बात करें तो रूट टू के ऊपर ये वाला जो है मॉड्यूलस है वो पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, है ना। तो ये कर्व होगा y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन एट x बराबर रूट टू, ये पॉजिटिव के साथ खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। dy by dx की वैल्यू हो जाएगी यहां पे 2x के इक्वल एट x बराबर रूट टू, तो dy by dx हो जाएगा टू रूट टू के इक्वल ना, x की वैल्यू रूट टू रखें तो m1 अपने पास आ रहा है टू रूट टू, ओके। वैसे ये जो दूसरा वाला कर्व है y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एट x इज इक्वल टू रूट टू, ये मॉड्यूलस नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, सही बात है, क्योंकि रूट टू पे देखो मॉड्यूलस के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी बन रही है, मॉड्यूलस विल ओपन विद अ नेगेटिव साइन। तो y इज इक्वल टू थ्री माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा बन रहा है, dy by dx की वैल्यू निकालोगे तो वो माइनस टू एक्स आएगी, x की जगह रूट टू रखोगे, ठीक है। तो यहां से dy by dx मिल गया, m2 मिल गया विच इज माइनस टू रूट टू। अब दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो tan थीटा बराबर मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, वो फॉर्मूला लगा देंगे, विल गेट आवर फाइनल आंसर। क्लियर है, सिंपल है, चलिए आगे बढ़ा जाए। नाउ लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, चार इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ y1 इनटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाई एम स्क्वायर, ठीक है। y1 क्या है, देखो पॉइंट ले लिया हमने कर्व पे x1 कॉमा y1, दिस इज अ पॉइंट। तो y1 इज बेसिकली दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कि पॉइंट कितना ऊपर है x एक्सिस से। मॉड्यूलस ऑफ y1 इज बेसिकली दिस डिस्टेंस, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। स्लोप क्या होती है, स्लोप दैट इज dy by dx, दैट इज बेसिकली tan ऑफ थीटा, है ना। ये हमारे पास टेंजेंट देखने को मिल रही है, दिस इज आवर टेंजेंट, ठीक है, ये हमारे पास टेंजेंट आ गई। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब pt की वैल्यू पूछिए ना, कि व्हाट इज द वैल्यू फॉर pt। तो ये फॉर्मूला आया कहां से, ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत सिंपल तरीके से अपन लोग डिराइव कर सकते हैं कि इस ट्राइंगल के अंदर tan थीटा की वैल्यू पता है, है ना। tan थीटा क्योंकि dy by dx निकाल सकते हैं, कर्व की इक्वेशन दे रखी हो, dy by dx निकाल सकते हैं, tan थीटा की वैल्यू हमको पता होगी, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मॉड्यूलस ऑफ y1 है, हमें हाइपोटेनियस बताना है, इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस बताना है। इजीली निकाल सकते हैं कि भाई साइन ऑफ थीटा का अपन रेशियो यूज करेंगे ना, कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर की लेंथ मॉड्यूलस ऑफ y1 अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस को ही मैंने pt, विच इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट, है ना, pt इज इक्वल टू लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो pt की वैल्यू यहां से आ गई, मॉड्यूलस ऑफ y1 sec थीटा, मॉड्यूलस ऑफ y1 cos sec थीटा, है ना, 1 अपॉन sin थीटा दैट विल बी cos sec थीटा।
कॉसेक थीटा को अपन लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। तो मॉड्यूलस ऑफ वाई वन इंटू अंडर रूट ऑफ वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा को लिख सकते हैं वन अपॉन टेन थीटा, एंड टेन थीटा ही एम के इक्वल है ना। कॉट थीटा को वन अपॉन टेन थीटा मतलब वन अपॉन एम लिखेंगे तो यही फॉर्मूला आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से हमने बाकी के सारे फॉर्मूले डिराइव किए हैं, जैसे लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल मतलब ये लेंथ पूछा जा रहा है ना, पी से लेके एन तक की लेंथ, तो ये भी बड़ी इजीली अपन निकाल सकते हैं कि ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री माइनस थीटा, देन दिस एंगल इज अगेन थीटा। तो फिर से यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा वाला रेशियो अपन लोग यूज कर लेंगे इस ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल में कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, थीटा के लिए मॉड्यूलस वाई वन इज बेस, ओके, एंड हाइपोटेनियस इज आर पी एन विच इज द लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक है, लेंथ ऑफ नॉर्मल इज पी एन। तो ये यही चीज लिखी है कि मॉड्यूलस ऑफ वाई वन सेक थीटा लिखा है, सेक थीटा को अंडर रूट ऑफ, ठीक है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दैट इज अंडर रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर। इसी तरीके से लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, सब टेंजेंट हो गया प्रोजेक्शन इसका, पी जी पूछा गया है ना, दैट इज लेंथ ऑफ सब टेंजेंट की टेंजेंट का प्रोजेक्शन। तो इसके लिए अपन टेन थीटा वाला रेशियो यूज कर लेंगे कि भाई इस ट्राइंगल के अंदर टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ वाई वन अपॉन टी जी, ठीक है, तो टी जी की वैल्यू हो गई मॉड्यूलस ऑफ वाई वन अपॉन टेन थीटा, है ना, ये यही तो चीज लिखी है, देखो मॉड्यूलस ऑफ वाई वन अपॉन टेन थीटा, मॉड्यूलस ले लेना क्योंकि लेंथ बोल रहे हैं तो एम के आगे भी मॉड्यूलस लगाना सही रहेगा। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, सब नॉर्मल ये हो गया जी एन, तो जी एन भी अपन इजीली निकाल सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा है, टेन ऑफ थीटा बराबर जी एन अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वाई वन, तो जी एन बराबर मॉड्यूलस ऑफ वाई वन इंटू टेन थीटा, है ना, ये चीज लिखी है मॉड्यूलस ऑफ वाई वन टेन थीटा मॉड्यूलस ऑफ वाई वन इंटू एम। तो इस तरीके से चारों फॉर्मूले बड़ी इजीली डिराइव हो जाते हैं, आप चाहो तो रट सकते हो इन फॉर्मूले को ताकि डायरेक्ट एप्लीकेशन आ जाए इसकी, अदरवाइज आप डिराइव भी कर सकते हो, है ना, एट द मोमेंट यू कैन डिराइव दीज फॉर्मूलास, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट फॉर द कर्व एट एक्स बराबर जीरो, तो ये कर्व दे रखा है हमें एक्स बराबर जीरो पे, तो जब एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चा पार्टी, तो वाई कोऑर्डिनेट यहां पे एक्स को जीरो रखे तो वाई कोऑर्डिनेट माइनस वन आ रहा है ना, माइनस वन, तो ऐसा देखा जाए तो ये कर्व बिलो द एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस बनाई, कर्व इज बिलो द एक्स एक्सिस, या तो डायरेक्ट यहां पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो, है ना, तो पॉइंट इज जीरो कॉमा माइनस वन, ओके, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये वन यूनिट लेंथ हो जाएगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट हमसे पूछा गया है, इधर हमने टेंजेंट बनाई है, ये एंगल अगर थीटा बना रहा है, ठीक है, टेन ऑफ थीटा दैट विल बी डी वाई बाई डी एक्स, है ना, तो टेन थीटा विच इज डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ रही है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फोर, एट एक्स बराबर जीरो चाहिए, है ना, तो एट एक्स बराबर जीरो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो बराबर फोर, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास मिल गई, टेन थीटा बराबर फोर, ठीक है। इस ट्राइंगल में देखें तो हमको ये लेंथ चाहिए ना, ये लेंथ चाहिए, तो अपन रेशियो यूज करेंगे कौन सा वाला, साइन थीटा वाला, कि साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन एल, है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन l, तो l की वैल्यू किसके इक्वल होगी, cosec थीटा के इक्वल होगी, tan थीटा की वैल्यू पता है, क्या cosec थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली, cosec थीटा हो गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा इज 4, cot थीटा विल बी 1 बाई 4, तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाई 16 विच इज इक्वल टू रूट 17 बाई 4, ओके, सो दैट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट 17 बाई 4, तो आप फॉर्मूला याद रख सकते हो, नहीं तो ये थ्योरी ध्यान में रख सकते हो, ठीक है, एज यू विश, ओके। नाउ रोल्स थ्योरम, इफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज ए फंक्शन सच दैट इट इज कंटिन्यूस इन एन इंटरवल, इट इज डिफरेंशियबल इन एन इंटरवल, अगर ये दो बातें फुलफिल कर रहा है, और तीसरी बात कि एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी की वैल्यू सेम है, कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट बी इज सेम, वैल्यू सेम होने का मतलब हो गया कि ये दोनों पॉइंट सेम हाइट पे है, ए पे जो हाइट बन रही है वही बी पे हाइट बन रही है, दोनों पॉइंट सेम हाइट पे है, तभी अपन बोलेंगे कि भैया इन दोनों की वैल्यू सेम है, ओके, एंड इसके बीच में फंक्शन कंटिन्यूस है, डिफरेंशियबल है, तो पक्का इसका जो ग्राफ है ना, पक्का इसका ग्राफ एक जगह तो मुड़ा होगा, है ना, टर्न ली होगी इसके ग्राफ में, तभी तो सेम हाइट पे पहुंच पाए, कि टर्न लिया होगा, बट यहां पे मेक श्योर करना है कि फंक्शन क्या कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल होना चाहिए,
तो जब अगर टर्न ले रहा है तो एफ डैश एक्स जीरो आ रहा होगा, एफ डैश एक्स पक्का एक बार तो एटलीस्ट जीरो आया होगा बिटवीन ए टू बी. तो देन देर एग्जिस्ट अ सी, है ना, एक पॉइंट यहां पे सी ले लेते हैं बिटवीन ए टू बी सच दैट एफ डैश सी बराबर जीरो. दैट इज एफ डैश एक्स बराबर जीरो हैज एटलीस्ट वन रूट इन ए टू बी. ए से बी के बीच में एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो का कम से कम एक रूट तो होगा ही होगा. ठीक है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, सेम हाइट में आने के लिए एक से ज्यादा भी रूट हो सकता है, बट एटलीस्ट एक बार तो ग्राफ मुड़ा ही होगा, है ना. बट इसके लिए कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियबल होना ही होना चाहिए. ओके, ये फंडा है. देखिए जरा, इफ 3a प्लस 3b प्लस 6c बराबर 0, देन प्रूव दैट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हैज एटलीस्ट वन रूट. तो इसको रोल्स थ्योरम से हम लोग करने वाले हैं कि अगर इसका एटलीस्ट एक रूट है. रूल्स थ्योरम क्या बोलती है कि एफ डैश एक्स का एटलीस्ट एक रूट होगा इस इंटरवल में. तो ये मेरे को कुछ एफ डैश एक्स वाली फील दे रहा है मुझे कि मैंने माना कि लेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो एफ एक्स क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, एफ एक्स हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन. ए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा ए एक्स क्यूब बाई थ्री, बी एक्स का इंटीग्रेशन होगा बी एक्स स्क्वायर बाई टू, C का इंटीग्रेशन हो जाएगा सी एक्स प्लस प्लस कुछ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट लेमडा भी मिल जाएगा. तो दिस इज आर एफ एक्स. ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन एफ एक्स. ओके, जीरो से वन के बीच में हमें चाहिए कि एफ डैश एक्स का एक तो रूट होना ही होना चाहिए. तो देख लेते भाई एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है. एफ ऑफ जीरो की वैल्यू लेमडा आ रही है, और अगर मैं एफ ऑफ वन की वैल्यू निकालू तो एफ ऑफ वन की वैल्यू आ जाएगी ए बाई थ्री प्लस बी बाई टू प्लस सी प्लस लेमडा. एंड ए बाई थ्री प्लस बी बाई टू प्लस सी की ही वैल्यू जीरो दे रखी होनी चाहिए. ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेते तो ये बनेगा देखो 2a प्लस 3b प्लस 6c डिवाइड बाई 6 प्लस लैम्डा. अच्छा ये 2 है ना, 2a है. ठीक है, हल्की सी प्रिंटिंग मिस्टेक. ओके, तो एलसीएम लिया तो 2a प्लस 3b प्लस 6c बन रहा है जिसकी वैल्यू गिवन है कि जीरो है. तो इसकी जगह पे अपन जीरो रख देंगे तो एफ ऑफ वन की वैल्यू भी क्या आ गई, लैम्डा आ गई. तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू भी लैम्डा, एफ ऑफ वन की वैल्यू भी लैम्डा. तो जीरो से वन के बीच में एफ डैश एक्स एक बार तो जीरो हुआ ही हुआ था. तो हेंस प्रूव्ड एफ डैश एक्स विच इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज एटलीस्ट वन रूट इन बिटवीन जीरो टू वन. ठीक है, तो जिसका प्रूव करना होता ना कि भाई इसका एटलीस्ट एक रूट हो गई होगा, उसको एफ डैश एक्स मान लो, एफ एक्स निकाल लो. इस इंटरवल में देखना है जीरो से वन के बीच में, तो जीरो पे वैल्यू देख लो, वन पे वैल्यू देख लो. दोनों पे अगर वैल्यू सेम आ गई, मतलब दोनों पॉइंट सेम हाइट पे है, अगर दोनों पॉइंट सेम हाइट पे है तो एफ डैश एक्स कहीं ना कहीं जीरो हुआ होगा, ग्राफ कहीं मुड़ा होगा, और जहां पे भी ग्राफ मुड़ता है एफ डैश एक्स वहां पे जीरो हो जाता है. ठीक है, सिंपल है. चलिए, तो इन द स्टेटमेंट ऑफ रोल्स थ्योरम इफ एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी बराबर जीरो, ए पे और बी पे दोनों पे वैल्यू जीरो आ रही है, दोनों पॉइंट सेम हाइट पे है, तब भी हम बोल सकते हैं कि भाई एफ डैश एक्स जीरो हुआ होगा, है ना, कि दोनों ही पॉइंट्स पे ग्राफ की वैल्यू जीरो आ रही है, ए पे भी जीरो बी पे भी जीरो, ये पॉइंट ए हो गया ये बी हो गया. ठीक है, तो ग्राफ कहीं ना कहीं तो एटलीस्ट एक बार मुड़ा होगा, और ग्राफ मुड़ रहा है तो एफ डैश एक्स जीरो आया होगा एटलीस्ट वंस. ठीक, एलएमवीटी थ्योरम क्या बोलती है. एलएमवीटी थोड़ा सा जैसे रोल्स थ्योरम जो हो गया ना, रोल्स थ्योरम इज अ स्पेशल केस ऑफ एलएमवीटी. एलएमवीटी का भी स्टेटमेंट बड़ा ही सिंपल है कि अगर वैल्यू ए पे एफ ऑफ ए, लेट्स से एक पॉइंट है ए जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए, एक पॉइंट बी है जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ बी. ओके, इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया तो इसकी जो स्लोप बन रही है, इसकी स्लोप अपन निकाल सकते हैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए. दिस इज द स्लोप ऑफ दिस सीकेंट. ऑब्जर्वेशन से अपन ये बात बोल सकते हैं ना कि एटलीस्ट एक पॉइंट तो जरूर होगा, वो कौन सा पॉइंट होगा हमें नहीं पता, पर एटलीस्ट एक पॉइंट तो जरूर होगा जहां पे एफ डैश सी भी, मतलब यहां पे स्लोप ऑफ जो टेंजेंट है, ये जो पिंक लाइन है और ये हरी लाइन पैरेलल हो जाएगी. तो देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट बिटवीन ए टू बी वेयर एफ डैश सी बराबर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस. एक से ज्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं बट एटलीस्ट एक तो हो गई. जैसे इस केस के अंदर देखा जाए तो एक से ज्यादा पॉइंट है, यहां पे भी टेंजेंट इसके पैरेलल है, इस पॉइंट पे भी टेंजेंट पैरेलल है, इस पॉइंट पे भी टेंजेंट पैरेलल आ रही है, बट एटलीस्ट एक पॉइंट तो ऐसा जरूर होगा. ठीक है, ओके, तो इसको हमें समझना है, रटना नहीं है ना, ये बस फोटो ध्यान रखे, फोटो से समझे कि देखो फॉर ए कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियबल फंक्शन एफ एक्स इफ एफ ऑफ वन बराबर थ्री एट एक्स बराबर वन
वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 3. फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 5. 5 पे हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है, है ना. तो माना कि 5 पे जो वैल्यू आ रही है वो एफ ऑफ 5 आ रही है, लेट्स से, ठीक है. और ग्राफ कुछ इस टाइप का है, इसके बीच में या ऐसा है या फिर ऐसा ऐसा है, जैसा भी बनाना चाहो, ठीक है. तो हमने एक सिंपल सा ऐसा ग्राफ बना लिया, ओके. अब अपन बोल रहे हैं कि जरूर एक पॉइंट सी ऐसा होगा, यहां पे एक पॉइंट सी जरूर होने वाला ऐसा जहां पे एफ डैश सी की वैल्यू इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो स्लोप ऑफ लाइन आ रही है, स्लोप ऑफ सीकेंट आ रही है, तो m बराबर एफ ऑफ 5 माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, एफ ऑफ 5 माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 1. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप. और कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट होगा जहां पे एफ डैश सी की वैल्यू इसके इक्वल हो. देयर इज एट लीस्ट वन पॉइंट बिटवीन दीज टू पॉइंट्स वेयर एफ डैश सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सीकेंट जॉइनिंग दीज टू, एंड इसकी स्लोप अपन ने निकाल ली y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. एंड क्योंकि दे रखा है एफ डैश x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो एफ डैश सी जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होने वाला है. तो अपने पास आ गया, देखो, एफ ऑफ 5 माइनस 3 बाय 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ ऑफ 5 इज माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, तो एफ ऑफ 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 11. सो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 5 इज 11, है ना. कुछ नहीं रटना है, बस समझना है, ओके. अब फटाफट बात कर लेते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन, इन सब के बारे में चर्चा करी जाए जल्दी से. तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब हो गया कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, है ना. देखो कुछ ऑब्जर्वेशन है यहां पे, ऐसा जरूरी नहीं है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 ही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, है ना. ये वाला जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसको अपन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि हो क्या रहा है कि इंक्रीज हो रहा था फिर बीच में सो गया, कांस्टेंट हो गया, फिर वापस इंक्रीज हो गया, ना. कछुए खरगोश वाली कहानी सुनिए, कैसे भाग रहा था खरगोश फिर बीच में सो गया. ए से बी के बीच में कांस्टेंट हो गई फंक्शन की वैल्यू, ए से बी के बीच में फंक्शन इंक्रीज ही नहीं हो रहा है, कांस्टेंट हो चुकी है फंक्शन की वैल्यू. देखो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहां पे, तो फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है. तो इस फंक्शन को हम इंक्रीजिंग बोल सकते हैं या फिर नॉन डिक्रीजिंग बोल सकते हैं. इस फंक्शन को इंक्रीजिंग बोला जा सकता है या फिर नॉन डिक्रीजिंग बोला जा सकता है, बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोल सकते. तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अपन कब बोल सकते हैं, जब या तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो कंटिन्यूसली, या फिर बच्चा पार्टी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तब भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल सकते हैं. बट ये एफ डैश एक्स जब 0 हो रहा है ना, एक ही पॉइंट में होना चाहिए बस, ऐसा नहीं कि एक इंटरवल में. जैसे वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, यहां पर डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 3x स्क्वायर आ रही है. एट एक्स बराबर 0 डीवाई बाई डी एक्स 0 होता भी है ना. एट एक्स इज इक्वल टू 0 डीवाई बाई डी एक्स 0 हो जाएगा, ठीक है. बट इसका मतलब ये नहीं कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं रहा, ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि इसके अंदर देखो x को बढ़ाओगे तो y बढ़ता है, कॉन्स्टेंट नहीं हो रही फंक्शन की वैल्यू, है ना, कॉन्स्टेंट नहीं आ रही है एक इंटरवल में. तो अगर एफ डैश एक्स 0 है पर्टिकुलरली एट x बराबर 0, देन इट इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए सिंपल सी बात, इतनी सिंपल बात बोलूं, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए एक इंटरवल में, ठीक है. ऐसा नहीं कि इंक्रीज हो रहा था फिर अब ये कांस्टेंट हो गया फिर वापस इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, तो अपन उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं बोलेंगे. y इज इक्वल टू एक्स क्यूब को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोला जाता है. बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट रहता है इसके अंदर, है ना. अगर किसी भी बच्चे से पूछोगे भाई y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कैसा फंक्शन है, वो उसको इंक्रीजिंग बोल देते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलते हैं, बट ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है. एफ डैश एक्स 0 आ रहा है बट एक पॉइंट पे ही तो 0 आ रहा है ना, तो नहीं कि एक इंटरवल में सो गया कछुए खरगोश की कहानी की तरह, है ना. 0 पे जो वैल्यू आ रही है 0.1 पे वैल्यू आ रही है, देखो 0.1 पे वैल्यू बड़ी हो जाएगी, 0.2 पे और बड़ी वैल्यू हो रही है, कांस्टेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, क्लियर है, ओके. इसके बारे में देखा जाए तो ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है कि देखो फंक्शन इंक्रीज हो रहा था फिर बाद में अचानक से एक हाइप मारा, एक जंप मारा, ये भी कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है. यहां पे भी देख सकते हैं कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है ना. किसी भी पॉइंट पे अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट देखिए, वो कैसे निकालते हैं कि भाई यहां पे टेंजेंट बना दी, टेंजेंट देख लो कैसा एंगल बना रही है, कोई पॉइंट लिया उसके ऊपर टेंजेंट बनाई, अगर वो टेंजेंट एक्यूट एंगल बना रही है तो डीवाई बाई डी एक्स पॉजिटिव है, ठीक है. तो ये भी कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. अब इधर गौर फरमाए, इस वाले फंक्शन के अंदर भी आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, है ना. दिस इज द ग्राफ, कोई भी पॉइंट ले लो भैया, यहां पे मैंने पॉइंट लिया,
टेंजेंट ड्रॉ करी, डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव आ रहा है, आ रहा है ना डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव, क्योंकि टेंजेंट एक्यूट एंगल बना रही है। इधर भी मैंने कोई भी पॉइंट लिया उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करी, टेंजेंट एक्यूट एंगल बना रही है। डी वाई बाई डी एक्स हर जगह पॉजिटिव है ना, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो वेर एवर एफ एक्स इज डिफरेंशियबल, बट एफ एक्स इज नॉट ओवरऑल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं है ओवरऑल। क्यों नहीं है? ऑब्वियसली बात है, देखो इंक्रीज हो रहा था अचानक से, देखो जीरो से पहले और जीरो के बाद में वैल्यूज देखो, वैल्यू घटी है ना, कम हो गई ना अचानक से वैल्यू कम हो गई। तो सिर्फ एफ डैश एक्स जीरो बोलना, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो बोलना डज नॉट मेक श्योर कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अगर फंक्शन इस टाइप का हुआ कि इंक्रीज हो रहा था, फिर डिसकंटिन्यूस हुआ और फिर इंक्रीज होना चालू हुआ, तो देखो तुम तो बढ़ रहे थे ना, अचानक से तुम वापस घट गए और फिर वापस बढ़ना चालू कर दिया, ठीक है, वापस से फिर फंक्शन ने इंक्रीज होना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो इस केस के अंदर अपन बोलेंगे कि भाई ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं है। ऑल दो डी वाई बाई डी एक्स इज पॉजिटिव एवरीवेयर, डी वाई बाई डी एक्स हर जगह पॉजिटिव है, बट फिर भी ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं है। तो डेफिनेशन क्या है इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की, ठीक है, तो एफ एक्स इज सेट टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ओवरऑल एन इंटरवल ए टू बी इफ एक्स टू ग्रेटर देन एक्स वन, मेक श्योर दैट एफ ऑफ एक्स टू इज ऑल्सो ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स वन, कि अगर इनपुट बढ़ाऊं तो आउटपुट बढ़ना, अगर x2 x1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू एट x2 शुड बी ग्रेटर देन फंक्शन की वैल्यू एट x1, तो इसको अपन बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। व्हाइल इट इज सेट टू बी इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग, है ना, इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग तब बोला जाएगा जब अगर मैंने इनपुट बढ़ाया तो फंक्शन की वैल्यू या तो ग्रेटर या इक्वल भी आ रही है, एफ ऑफ एक्स टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन, इनपुट बढ़ाया बट वैल्यू सेम है अभी भी, है ना, मतलब अगर कांस्टेंट आ रहा है ना फंक्शन, एफ डैश एक्स जीरो आ रहा है इन एन इंटरवल, ठीक है, इस टाइप का फंक्शन बन रहा है कि आप इंक्रीज हो रहे थे फिर एफ डैश एक्स जीरो आ गया एक इंटरवल में और फिर वापस इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, तो अब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग पॉइंट्स पे सेम वैल्यू आती हुई दिखाई दे रही है ना, एक्स की वैल्यू बदली बट वाई की वैल्यू इन दोनों पॉइंट्स पे सेम है, तो अगर दो अलग अलग पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है तो उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीज होता है भैया, पॉइंट बदलोगे पॉइंट बढ़ाओगे वैल्यू भी बढ़ेगी, यहां पे देखो एक्स बढ़ाया वैल्यू नहीं बढ़ी। ओके, तो यहां पे एफ डैश एक्स जीरो हो जाए अगर एक इंटरवल में, एक अंतराल में सो गया एक अंतराल में, ठीक है, एफ डैश एक्स जीरो हो जाए इन एन इंटरवल तब अपन बोलेंगे कि भाई ये इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो नहीं है ये फंक्शन, ठीक है। एफ एक्स इज सेट टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ओवर एन इंटरवल, है ना, यही बातें इधर लिखी गई है, ठीक है, इफ एक्स टू ग्रेटर देन एक्स वन इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स टू ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स वन, सेम बात है। एफ एक्स इज सेट टू बी मोनोटोनिक इन एन इंटरवल, देखो मोनोटोनिक क्या होता है ना, इफ इट इज ईदर ओनली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और ओनली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दैट इंटरवल, दैट मीन्स इट हैज सिंगल बिहेवियर इन दैट इंटरवल, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो, एक सिंगल बिहेवियर फॉलो कर रहा है एक इंटरवल में, तो उसको अपन मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं इन दैट इंटरवल, ठीक है। सो फाइंड ए सो दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन ऑल रियल नंबर, तो ये क्यूबिक हमारे सामने दे रखा है, अगर ये इंक्रीजिंग है फॉर ऑल रियल नंबर, सबसे पहले आप एफ डैश एक्स निकालोगे तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x2, तो ए स्क्वायर माइनस वन इंटू 3x2 डिवाइडेड बाई 3 तो है ही ऑलरेडी, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहां पे लिख दोगे 2x, तो ए माइनस वन टाइम्स 2x का डिफरेंशिएशन इधर आ गया 1। ओके, अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर इंक्रीजिंग है ना, इंक्रीजिंग बोला गया है, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आना चाहिए, तो एक क्वाड्रेटिक हमारे पास मिलती हुई दिखाई दे रही है, विच इज ए स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, ठीक है। एफ डैश एक्स हमेशा कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, अगर दे रखा है सवाल में कि इट इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल रियल नंबर, तो एफ डैश एक्स एक क्वाड्रेटिक बन रही है, ये क्वाड्रेटिक जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर, तो क्वाड्रेटिक हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तब होती है जब उसका डिस्क्रिमिनेंट, इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है ना, एक क्वाड्रेटिक
एक्सप्रेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू तब होती है जब इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन और इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो हो जाता है ना, किसी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो हो जाता है तो वो क्वाड्रेटिक का ग्राफ एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट कर जाता है, और अगर इसका ग्राफ दो जगह पे कट कर रहा है तो कभी इसके जीवन में खुशियां है कभी गम है, मतलब कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है ये क्वाड्रेटिक। एक्स एक्सिस से नीचे गया ना, दो जगह पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस से नीचे चला गया, तो कहीं पे पॉजिटिव कहीं पे नेगेटिव है, ठीक है। तो इसके ऊपर कंडीशन लगेगी कि डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू जीरो, डिस्क्रिमिनेंट शुड नॉट बी ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो गया तो एक्स एक्सिस के नीचे भी जाएगा इसका ग्राफ, एंड एंड ए स्क्वायर माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि अपवर्ड पैराबोला भी तो होना चाहिए बेटा, अपवर्ड पैराबोला हो, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन और इक्वल टू जीरो हो, तो ये दोनों कंडीशन हम लोग यहां पे लगाएंगे और इन कंडीशन का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो इसका आंसर जरूर कमेंट करें, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं क्वाड्रेटिक के अंदर, है ना, क्लियर है। चलिए अब देखो, अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग है जी एक्स भी इंक्रीजिंग है तो उनका कंपोजिट एफ ऑफ जी एक्स भी इंक्रीजिंग होगा, बट अगर एफ एक्स भी डिक्रीजिंग है जी एक्स भी डिक्रीजिंग है तो भी उसका कंपोजिट इंक्रीजिंग होगा। अगर उन दोनों में से एक इंक्रीजिंग दूसरा डिक्रीजिंग हो जाए तो उनका कंपोजिट एफ ऑफ जी एक्स या फिर जी ऑफ एफ एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन होने। ऐसा क्यों? क्योंकि सपोज मैंने एच एक्स माना एफ ऑफ जी एक्स, है ना, दिस इज एच एक्स लेस से, तो एच डैश एक्स आ जाएगा, एफ का डिफरेंशिएशन एफ डैश जी एक्स, एफ डैश जी एक्स, फिर अंदर वाली चीज का डिफरेंशिएशन करेंगे विच इज जी डैश एक्स, है ना, चेन रूल लगेगा यहां पे। तो मोटा मोटा देखा जाए तो ये क्या लिखा है, एफ डैश इंटू जी डैश लिखा है ना, एफ डैश ऑफ समथिंग इंटू जी डैश ऑफ समथिंग, ये चीज लिखी है, दैट इज एच डैश एक्स। तो अगर दोनों इंक्रीजिंग है, मतलब अगर दोनों पॉजिटिव है, एफ डैश जी डैश दोनों पॉजिटिव हो गए, दोनों इंक्रीजिंग हो गए, तो एच डैश भी इंक्रीजिंग आएगा, एफ ऑफ जी एक्स भी इंक्रीजिंग हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अगर दोनों नेगेटिव है तब भी ये एच डैश पॉजिटिव होगा, मतलब अगर दोनों डिक्रीजिंग है तब भी एफ ऑफ जी एक्स इंक्रीजिंग होने वाला है, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये पॉजिटिव बन जाएगा, बट इसमें से अगर एक इंक्रीजिंग दूसरा डिक्रीजिंग है तो एच डैश की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, है ना, एच डैश की वैल्यू इस केस में नेगेटिव आ जाएगी। तो अगर एक इंक्रीजिंग दूसरा डिक्रीजिंग है तो इनका कंपोजिट ओवरऑल डिक्रीजिंग हो जाएगा, ओके। नाउ इफ एफ ऑफ ए बराबर जीरो एंड एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, देन एफ एक्स विल बी नेगेटिव फॉर एक्स ग्रेटर देन ए। कंपैरिजन वाले क्वेश्चन किस तरीके से हैंडल करते हैं कि यार देखो ए पे तो वैल्यू जीरो है, ए कॉमा जीरो, ए पे वैल्यू जीरो है, मतलब यहाँ पे जो फंक्शन है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू जीरो है, और अगर इसके आगे डिक्रीजिंग है फंक्शन, इसके आगे फंक्शन डिक्रीजिंग है तो ग्राफ कैसा जाएगा, ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे चला जाएगा ना, तो मतलब फंक्शन की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। वहीं पे ये बात बोली गई कि अगर ए पे वैल्यू जीरो है, ए कॉमा जीरो पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ग्राफ, और उसके बाद में इंक्रीजिंग है मतलब ऊपर जाएगा ये, तो फंक्शन की वैल्यू कैसी हो जाएगी, फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, है ना, ये पॉजिटिव, ओके। If f of a बराबर जीरो एंड एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, देन एफ एक्स विल बी पॉजिटिव फॉर एक्स ग्रेटर देन ए, ठीक है। जैसे कंपेयर द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग कैलकुलस, कि एक्स एंड टेन इनवर्स एक्स में से कौन बड़ा है फॉर एक्स बिलोंगिंग टू जीरो टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आप एक फंक्शन मान लोगे एफ एक्स बराबर एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, है ना, या फिर टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स, जो भी फंक्शन मानो, आपने ये फंक्शन मान लिया, ठीक है। अब अपन वैल्यू देखें जीरो पे, एट एक्स बराबर जीरो पे तो इसकी वैल्यू जीरो है, राइट, जीरो माइनस टेन इनवर्स जीरो, दैट विल बी जीरो। अब मैं देखना चाहता हूं कि भाई जीरो के आगे एफ डैश एक्स कैसा है, क्या फंक्शन इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ रही है वन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का डिफरेंशिएशन वन, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ये एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। एक्स बिलोंगिंग टू जीरो टू इन्फिनिटी, अगर एक्स जीरो से बड़ा नंबर है, यहां पे एलसीएम भी लेके देखें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, अगर एक्स जीरो से बड़ा है तो एफ डैश एक्स कैसा हो गया, पॉजिटिव है, है ना, एफ डैश एक्स कैसा है, पॉजिटिव आ रहा है अपने पास। अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, देखो जीरो पे तो वैल्यू जीरो है, मतलब ओरिजिन से ये ग्राफ स्टार्ट करें अगर अपन,
ओरिजिन से ये ग्राफ को स्टार्ट करे, जीरो पे वैल्यू जीरो, उसके बाद में ग्राफ को इंक्रीज करना है। ग्राफ को इंक्रीज किया तो एफ एक्स हमें दिखाई दे रहा है कि एफ एक्स पॉजिटिव वैल्यू ही लेगा, एफ एक्स पॉजिटिव वैल्यू ही लेगा, मतलब ये एफ एक्स जो हो गया दैट इज ग्रेटर देन जीरो, इट इंप्लाइज कि एक्स इज ग्रेटर देन टेन इनवर्स एक्स। तो इस तरीके से अपन कंपेरिजन वाले सवाल करते हैं कि अगर मुझे पूछा जाए कि भाई एक्स और टेन इनवर्स एक्स में कौन बड़ा, तो एक फंक्शन अपन मान लेंगे एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, दैट इज आर फंक्शन एफ एक्स, जीरो पे वैल्यू जीरो आ रही है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, तो मतलब इसके आगे ये फंक्शन ऊपर ही जाएगा, ऊपर जाएगा तो मतलब एफ एक्स कैसा है, पॉजिटिव है, तो मतलब एक्स ग्रेटर देन टेन इनवर्स एक्स हो गया। इस टाइप के सवाल हो गया कि e की पावर 1 बाई ई एंड पाई की पावर 1 बाई पाई में कंपेयर करो कि विच वन इज ग्रेटर, ठीक है। तो इस टाइप के सवालों में हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे कि फंक्शन हमने मान लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 बाई एक्स, लेट्स से दिस इज आर फंक्शन, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 बाई एक्स, ये हमारा फंक्शन हो गया। ओके बच्चा पार्टी, एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालना चाहता हूं मैं यहां पे, तो एक्स की पावर 1 बाई एक्स को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि ई की पावर है ना, e की पावर 1 बाई एक्स एल एन एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, ये x की पावर 1 बाई एक्स ही है, देखो दिस इज आर फंक्शन। मतलब ये चीज ध्यान रखें कि a की पावर b को अपन लिख सकते हैं कि e की पावर b एल एन ए, है ना, क्योंकि log की प्रॉपर्टी होती है, log की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये दोनों आपस में जगह इंटरचेंज कर सकते हैं। e की जगह पे अगर मैं a को बिठाऊं, ए की जगह अगर मैं ई को बिठाऊं तो एल एन ऑफ ई तो वन हो जाएगा और ये ए की पावर बी बन जाएगा। ओके, तो एक्स की पावर 1 बाई एक्स को ई की पावर 1 बाई एक्स एल एन एक्स लिखा जा सकता है, उसके बाद में डिफरेंशिएट किया जा सकता है, एफ डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ई की पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन यही आ जाएगा, ई की पावर 1 बाई एक्स एल एन एक्स मल्टीप्लाइड बाय, अब अपन इस पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर एल एन एक्स को एज इट इज रखा, फिर 1 बाई एक्स को एज इट इज रखेंगे और एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू, इस चीज को वापस से अपन x की पावर 1 बाई एक्स लिख सकते हैं, है ना, इसको वापस से लिख दिया x की पावर 1 बाई एक्स, ठीक है, एंड दिस थिंग इज 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो डिनोमिनेटर से, तो अंदर बन रहा है माइनस एल एन एक्स प्लस 1, ये बन रहा है दिस इज आर एफ डैश एक्स, ये अपने पास फंक्शन आ चुका, ठीक है, दिस इज आर एफ डैश एक्स। ओके, एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए अगर मैं ग्राफ बनाऊं, है ना, तो एक्स बराबर ई पे एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो आ रही है ना, एक्स बराबर ई पे एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो मिल रही है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, देखो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनने वाला है, ये हो गया एक्स बराबर ई, x बराबर e पे हम लोग देख सकते हैं 1 माइनस ऑफ एल एन ई दैट विल बी 0, x बराबर e पे f डैश x की वैल्यू 0 आ रही है, x इज इक्वल टू e से पहले अगर x की वैल्यू e से छोटी है तो एल एन एक्स 1 से छोटी वैल्यू देगा, तो 1 माइनस 1 से छोटी वैल्यू है ना, इंक्रीजिंग है, e से पहले ये इंक्रीजिंग आ रहा है और e के बाद में ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, है ना, अगर x की वैल्यू मैं e से बड़ी रखता हूं तो ये नेगेटिव बन गया, f डैश x नेगेटिव हो जाएगा, तो x बराबर e पे इस फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू मिलेगी, है ना, फंक्शन हमने माना है x की पावर 1 बाई एक्स, क्यों x की पावर 1 बाई एक्स, क्योंकि पैटर्न दिख रहा था ना, e की पावर 1 बाई ई, पाई की पावर 1 बाई पाई, ठीक है, तो x बराबर e पे ये जो वैल्यू आएगी दैट इज e कॉमा e की पावर 1 बाई ई, है ना, x बराबर e पे ये वैल्यू आ रही है, पाई e से बड़ा होता है ना, पाई इसके राइट में कहीं पे होगा और x बराबर पाई पे वैल्यू आएगी पाई की पावर 1 बाई पाई, तो विच वन इज ग्रेटर अमंग दीज टू, तो अपन देख सकते हैं कि e की पावर 1 बाई ई इज ग्रेटर देन पाई की पावर 1 बाई पाई, है ना, e रेशो द पावर 1 बाई ई इज ग्रेटर देन पाई रेशो द पावर 1 बाई पाई, ठीक है। तो इस तरीके के कंपैरिजन के सवाल आता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, है ना बच्चा पार्टी, लेट्स मूव अहेड। चलिए अब मैक्सिमा मिनिमा के बारे में बात करें, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, इन चार तरह की चीजें आप लोग देखते हैं। लोकल मैक्सिमा का मतलब हो गया कि भाई लोकल गुंडा अपने आजू बाजू के पॉइंट से वैल्यू ज्यादा है, दैट इज लोकल मैक्सिमा। ग्लोबल का मतलब हो गया कि इस पूरे इंटरवल में सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू इसी की है, है ना, दैट इज ग्लोबल मैक्सिमा, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा टुगेदर आर रिफर्ड एज लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज और लोकल एक्सट्रीम। ओके,
ग्लोबल मैक्सिमा, अ फंक्शन हैज ग्लोबल मैक्सिमा एट एक्स बराबर ए इफ एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन द इंटरवल. ठीक है, हाँ जी, सिंपल है. क्रिटिकल पॉइंट यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे एफ डैश एक्स जीरो हो जाए या एफ डैश एक्स फेल्स टू एग्जिस्ट. या तो एफ डैश एक्स जीरो हो जाए वो एक क्रिटिकल पॉइंट है, या वहां पे एफ डैश एक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, स्लोप वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो दोज पॉइंट्स आर दी क्रिटिकल पॉइंट्स. तो क्रिटिकल पॉइंट आर दी पॉइंट्स है ना इन द इंटीरियर ऑफ द इंटरवल. एंड पॉइंट्स को अपन क्रिटिकल पॉइंट्स में नहीं लेते हैं, क्रिटिकल पॉइंट एक इंटरवल के इंटीरियर पॉइंट होते हैं. ठीक है, नॉट दी एंड पॉइंट्स. क्रिटिकल पॉइंट्स आर कंटेंडर्स फॉर गिविंग मैक्सिमा एंड मिनिमा. ठीक है, तो मैक्सिमा मिनिमा के कंटेंडर्स कौन कौन से होते हैं, देखो मैक्सिमा और मिनिमा कहां कहां मिलती है हमें. तो मैक्सिमा मिनिमा हमें क्रिटिकल पॉइंट्स में मिल सकती है, दो कंटेंडर्स होते हैं. पहला कंटेंडर क्रिटिकल पॉइंट्स. क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब वो सारे पॉइंट्स जहां पे एफ डैश एक्स जीरो हो रहा हो और एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, फेल्स है ना, फेल्स टू एग्जिस्ट. तो क्रिटिकल पॉइंट्स वो सारे पॉइंट्स हो गए, है ना. एक तो ये कंटेंडर हो गया, और दूसरा इंपॉर्टेंट कंटेंडर आता है मैक्सिमा मिनिमा का, एंड पॉइंट्स. एंड पॉइंट्स ये कंटेंडर्स हमारे पास होते हैं मैक्सिमा, है ना. एंड पॉइंट्स को कभी अपन क्रिटिकल पॉइंट्स में काउंट नहीं करते हैं. ठीक है, कि सपोज इस तरीके का ग्राफ हो गया अपने पास. ओके, ये ऐसा सा ग्राफ हो गया. तो मैक्सिमा मिनिमा हमें कहां कहां दिखाई दे रही है, देखो ग्लोबल मैक्सिमा मुझे ये वाले एंड पॉइंट पे दिख रही है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू ये है. ग्लोबल मिनिमा मेरे को इस वाले पॉइंट पे दिख रही है, सबसे लोएस्ट वैल्यू ये है. ये भी एक लोकल मैक्सिमा है, यहां पे एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है, ये भी एक लोकल मैक्सिमा है. ये देखो यहां पे एफ डैश एक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि यहां पे शार्प कॉर्नर है, शार्प कॉर्नर जहां पे होता है वहां पे एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता ही नहीं है. तो ये भी बट पॉइंट मिनिमा दे रहा है ना, लोकल मिनिमा देगा ये पॉइंट. तो एक तो क्रिटिकल पॉइंट्स लोकल मैक्सिमा ग्लोबल मैक्सिमा के कंटेंडर पॉइंट्स होने वाले हैं, और एंड पॉइंट्स. तो मैक्सिमा मिनिमा कभी भी ढूंढना हो हमें तो यहां पे ढूंढेंगे हम लोग. ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स पे जहां पे एफ डैश एक्स जीरो हो रहा हो या डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर एंड पॉइंट्स. ओके, तो इधर अपन ढूंढते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना. चलिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के ऊपर चलते हैं. इफ एफ डैश एक्स चेंजेस साइन अबाउट अ क्रिटिकल पॉइंट देन वी हैव अ मैक्सिमा और मिनिमा देयर. अगर एफ डैश एक्स का साइन बदल रहा है एक पॉइंट के अबाउट, तो वहां पे हमें मैक्सिमा या मिनिमा मिल सकती है ना, वहां पे हमें मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगी. ठीक है, बट अगर एफ डैश एक्स साइन ही नहीं बदल रहा है, एफ डैश एक्स साइन ही नहीं बदल रहा है, जीरो हो रहा है वहां पे, एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है बट उस पॉइंट के अबाउट साइन नहीं बदल रहा है, देन फंक्शन डज नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा देयर. वहां पे फंक्शन की मैक्सिमा या मिनिमा नहीं होगी. जैसे कि देखो अगर ग्राफ इस तरीके से है, एफ डैश एक्स यहां पे जीरो हुआ, ठीक है, इधर देख सकते हैं भाई एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है. अब इससे पहले भी इंक्रीजिंग है, इससे पहले भी इंक्रीज हो रहा है, इसके बाद भी इंक्रीज हो रहा है. एफ डैश एक्स जीरो तो हुआ बट इससे पहले भी इंक्रीजिंग, बाद भी इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स का साइन में परिवर्तन नहीं आया. अगर साइन में परिवर्तन नहीं आया है तो ये पॉइंट ना ही मैक्सिमा का पॉइंट है ना ही मिनिमा का पॉइंट है, देख सकते भाई, है ना, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा का हो गया पॉइंट जैसे इस टाइप का पॉइंट. दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, बच्चा पार्टी, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया क्योंकि अपने नेबर्स से क्या है ये ऊपर है. तो यहां पे एफ डैश एक्स में परिवर्तन आ रहा है कि देखो इससे पहले एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, इससे पहले तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव है और इस पॉइंट के बाद में एफ डैश एक्स नेगेटिव हो गया. ठीक है, मतलब देखो इंक्रीज हो रहा था फिर डिक्रीज होना चालू हो गया, तो वो वाला पॉइंट आ जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. तो अगर एफ डैश एक्स का साइन चेंज हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जा रहा है ना, और यहां पे एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है, तो पहले तो अपने को कभी भी मैक्सिमा मिनिमा निकालना होता है, पहले तो ये चेक कर लो कि एफ डैश एक्स कहां कहां जीरो आ रहा है. वो पॉइंट्स निकाल लिए हमने कि यहां यहां पे एफ डैश एक्स जीरो आ रहा है, फिर देख लो कि उस पॉइंट्स के अबाउट साइन में परिवर्तन क्या आ रहा है. क्या वहां पे साइन में परिवर्तन पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा हो जाएगा. अगर नेगेटिव से पॉजिटिव आया है ना, यहां पे एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है, इसके अबाउट जो साइन में परिवर्तन है वो अगर नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होना स्टार्ट हो रहा है फंक्शन, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा आ जाएगा. ठीक है, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, है ना, ये चीज का खास ख्याल रखें. ठीक है, जैसे कि इस टाइप के सवाल हो गए,
फाइंड द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन. यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालेंगे. एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई 5 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 20 इंटू एक्स क्यूब प्लस 15 एक्स स्क्वायर. इसमें से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, 5x स्क्वायर कॉमन लिया. तो 5x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3. फैक्टर्स क्या क्या बन रहे हैं, 5x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1. दिस इज द वैल्यू फॉर एफ डैश एक्स. ठीक है, ये हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई. अब वेवी कर्व मेथड से अपन देख सकते हैं कि भाई एफ डैश एक्स जीरो होते हुए तो मेरे को तीन पॉइंट्स पे दिखाई दे रहा है. कहां कहां पे, कि एक्स बराबर जीरो पे एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है, एक्स बराबर वन पे भी जीरो हो रहा है, एक्स बराबर थ्री पे भी जीरो हो रहा है. तीन पॉइंट्स पे हमें एफ डैश एक्स जीरो होते हुए दिखाई दे रहा है. ठीक है, एक्सट्रीम राइट में साइन देखोगे एफ डैश एक्स का तो पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, बट जीरो के अबाउट कोई साइन में परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि यहां पे x की पावर क्या है, 2 है. जिस फैक्टर की पावर इवन होती है उसके अबाउट साइन में परिवर्तन नहीं आता. वेवी कर मेथड याद है कि देखो 3 के अबाउट साइन में परिवर्तन आएगा. x 3 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव, 3 से छोटा होगा तो नेगेटिव. 1 के अबाउट भी साइन में परिवर्तन आएगा, बट 0 के अबाउट साइन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा. ठीक है, तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा, ग्राफ इस तरीके से बनने वाला है कि देखो इंक्रीजिंग हो रहा है, 1 तक इंक्रीज ही हो रहा है. 0 पे एफ डैश एक्स 0 हुआ, ठीक है, 1 तक इंक्रीज हो रहा है, फिर x बराबर 1 के बाद में डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, 3 के बाद वापस इंक्रीज हो गया. दिस इज हाउ इट्स ग्राफ इज गोइंग टू बी. ये हो गया x बराबर 0, x बराबर 0 से पहले भी इंक्रीजिंग, 0 के बाद भी इंक्रीजिंग, x बराबर 1 से पहले इंक्रीजिंग है और 1 के बाद में डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ. ठीक है, 1 से 3 के बीच में डिक्रीज हो रहा है, x बराबर 1 से x बराबर 3 के बीच में डिक्रीज हो रहा है, 3 के बाद में वापस इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया. ओके, तो ये तो पॉइंट हो गया मैक्सिमा का पॉइंट और ये हो गया पॉइंट मिनिमा का. हमेशा ध्यान रखें जब भी एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होना स्टार्ट हुआ फंक्शन, तो ये पॉइंट मैक्सिमा का पॉइंट आ गया एंड ये पॉइंट मिनिमा का पॉइंट आ गया. ठीक है, एंड एक्स बराबर जीरो, एफ डैश एक्स वहां पे जीरो हो रहा है, बट फिर भी एक्स बराबर जीरो इज नीदर द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर द पॉइंट ऑफ मिनिमा. ओके, क्रिटिकल पॉइंट जरूर बोलेंगे x बराबर 0 को, बट मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट नहीं बोलेंगे. अब चलिए डबल डेरिवेटिव टेस्ट पे चलने से पहले कॉनकेविटी के बारे में समझते हैं. अगर ग्राफ इस तरीके का है ना, ऊपर की तरफ इसका मुंह है, तो इधर f डबल डैश x, f डबल डैश x क्या बताता है, कॉनकेविटी बताता है कि अगर f डबल डैश x पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर की तरफ होगा ना, जैसे ये हो गया, या फिर इस तरीके का, इसको भी अपन बोलेंगे कॉनकेव अप, या फिर ये हो गया कॉनकेव अप, है ना, ऊपर की तरफ मूव, तो इसको अपन कॉनकेव अप ग्राफ बोलेंगे. ठीक है, सिंपल है. और अगर एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो है तो ग्राफ कॉनकेव डाउन ग्राफ होने वाला है. अब यहां पे देखो इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अगर एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है ना, एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो मतलब ग्राफ अगर कॉनकेव अप है, ग्राफ अगर कॉनकेव अप है. यहां पे दो पॉइंट्स मैंने लिया, एक पॉइंट मैंने लिया एक्स वन कॉमा एफ ऑफ एक्स वन, ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने लिया x2 कॉमा एफ ऑफ x2, ओके, है ना, और एक पॉइंट मैंने ले लिया इन दोनों के बीच में कहीं पे f ऑफ x1 प्लस x2 बाई 2, है ना, ये वाला पॉइंट हो गया x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा f ऑफ x1 प्लस x2 बाई 2, ठीक है, f ऑफ x1, है ना, सुने जरा ध्यान से, यही चीज मैं आपको समझाने वाला हूं, बट ग्राफिकली समझेंगे, रटेंगे नहीं इन चीजों को ना. ओके बच्चा पार्टी, और एक अपन ने लिया कि भैया इन दोनों का एग्जैक्ट मिड पॉइंट, इन दोनों का एग्जैक्ट मिड पॉइंट जो होगा वो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू बाई टू, है ना, एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू बाई टू, एक्स टू होल डिवाइड. तो अगर ग्राफ कॉनकेव अप है ना, तो एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू होल डिवाइडेड बाई टू इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, है ना, एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू डिवाइडेड बाई टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू. ठीक है, देख भी सकते हैं इस ग्राफ से कि भैया इसका वाई कोऑर्डिनेट, इस वाले पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, इस वाले पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कंपेयर किया जाए तो इसका वाई कोऑर्डिनेट ज्यादा है ना इस पॉइंट से. तो दैट इज वाई f of x2 plus f of x1 divided by 2, ये पॉइंट यहां पे कहीं आने वाला है, एंड f of x1 plus x2 by 2 इसी कर्व के ऊपर पॉइंट लाई करता हुआ पॉइंट है,
तो देख सकते हैं भाई एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू होल डिवाइडेड बाई टू इज ग्रेटर देन दिस, ठीक है, क्लियर है। वैसे ही ये तीन पॉइंट्स के बारे में भी यही बात सेम चर्चा कर सकते हैं, सेंट्रॉइड बना के एक ट्राइंगल बना के सेम यही चर्चा तीन पॉइंट्स के लिए भी लागू होती है ना। कॉनकेव डाउन शेप्स कुछ इस तरीके से रहती है ना, अगर ग्राफ कॉनकेव डाउन है तो एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो होगा, और अगर ग्राफ कॉनकेव डाउन है, ग्राफ अगर कॉनकेव डाउन है इफ एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन जीरो, ठीक है, तो दो पॉइंट्स अगर मैं ज्वाइन करता हूं, ये वाला पॉइंट x1 कॉमा एफ ऑफ एक्स वन, ओके, एंड दूसरा वाला ये पॉइंट ले लिया x2 कॉमा एफ ऑफ एक्स टू, तो इसके बीच में कहीं पे जो पॉइंट होगा वो होगा एफ ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू होल डिवाइडेड बाई टू, ये इसी फंक्शन इसी ग्राफ के ऊपर लाई करता हुआ पॉइंट है ना, एंड एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू बाई टू इस स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन करें तो इसके मिड पॉइंट का पॉइंट है, तो देखो इन दोनों में से कौन ग्रेटर है, कौन सा वाला पॉइंट ऊपर है, तो ये वाला पॉइंट ऊपर है तो ये ग्रेटर होगा, तो एफ ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू बाई टू, ठीक है, सिंपल है बातें, ओके। तो वैसे ही अगर एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू जीरो टू पाई तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, ये होमवर्क के लिए मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, ठीक है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। जीरो से पाई के बीच में साइन एक्स एक कॉनकेव डाउन ग्राफ होता है, तो आप यहाँ पे जज कर सकते हैं भाई ये वाला पॉइंट एक्स वन कॉमा एफ ऑफ एक्स वन, चलो कर ही लेते लगा अच्छा लगे आते इसको, ये वाला पॉइंट एक्स टू कॉमा एफ ऑफ एक्स टू एंड एफ ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू इसी कर्व के ऊपर लाई करता हुआ पॉइंट है, एंड एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू बाई टू यहां पर कहीं पॉइंट होने वाला है, इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट, दिस पॉइंट इज एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू बाई टू, तो विच वन इज ग्रेटर गाइज, एफ ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू बाई टू, वही चीज की साइन ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू दैट इज एफ ऑफ एक्स वन प्लस बाई टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू डिवाइड बाई टू, ऑप्शन ए इज आर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल है। डबल डेरिवेटिव टेस्ट, अगर एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है एक्स बराबर ए पे ना, एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है एक्स बराबर ए पे एंड वहां पे एफ डबल डैश ए पॉजिटिव है, देन एफ एक्स एज लोकल मैक्सिमा एट एक्स बराबर ए, है ना, कि एफ डबल डैश ए पॉजिटिव होने का मतलब हुआ कि ग्राफ कॉनकेव अप है, ग्राफ कॉनकेव अप है और इस पॉइंट के ऊपर एफ डैश एक्स जीरो आ रहा है, एफ डैश एक्स मतलब स्लोप जीरो आ रही है, तो ये पॉइंट हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर एफ डैश एक्स जीरो आ रहा है एक्स बराबर ए पे एंड एफ डबल डैश ए नेगेटिव है, मतलब ग्राफ कॉनकेव डाउन हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो एफ एक्स एज लोकल मैक्सिमा एट एक्स बराबर ए, तो यहाँ पे हमें लोकल मैक्सिमा देखने को मिले, सिंपल है, ओके। बट अगर एफ डैश ए भी जीरो है एफ डबल डैश ए भी जीरो है, एफ डैश ए भी जीरो एफ डबल डैश ए भी जीरो है ना, देन डबल डेरिवेटिव टेस्ट इज इनकंक्लूसिव, तब डबल डेरिवेटिव टेस्ट कुछ जवाब नहीं दे पाएगा, तो उस केस में सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट का सहारा लेंगे हम, एफ डैश एक्स के अंदर साइन का परिवर्तन देखेंगे कि एफ डैश एक्स में साइन का परिवर्तन कैसा सा है ना, साइन परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट का वहां पर सहारा हम लोग ले लेंगे, क्लियर इतनी बात है। चलिए तो इसी के साथ बस एक दो सवाल हमने लिए हैं, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, ट्राई करिएगा, मैक्सिमा मिनिमा का सवाल है, ये वाला क्वेश्चन अभी कर लेते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, प्रूव दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लांट हाइट इज टैन इनवर्स रूट, एक कोन है उसका सेमी वर्टिकल एंगल हमें निकालना है, ठीक है, मतलब ये एंगल थीटा हमको निकालना है, स्लांट हाइट गिवन है, ये फिक्स कर रखे है ना, स्लांट एल इज फिक्स्ड, ठीक है, अगर ये थीटा बोलूं तो रेडियस हो जाएगी इसकी एल साइन थीटा, और ये है ना रेडियस विल बी एल साइन थीटा, और इसकी जो हाइट हो गई दैट इज एल कॉस थीटा, तो इसका जो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, आर को भी एल के टर्म्स में स्लांट हाइट के टर्म्स में लिखूंगा बिकॉज स्लांट हाइट ही तो फिक्स्ड है, दैट इज फिक्स्ड राइट, तो आर की वैल्यू रख दी एल साइन थीटा, तो 1/3 पाई
एल साइन थीटा का स्क्वायर इनटू द वैल्यू ऑफ एच इज एल कॉस थीटा. तो दिस इज आवर वॉल्यूम विच इज इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस थीटा. दिस इज आवर वॉल्यूम. dv by d theta, जहां पे theta वेरिएबल है, dv by d theta को अपन लोग जीरो कर देंगे. तो ये तो कांस्टेंट है बच्चा बाटी, इसको आप कुछ कांस्टेंट k की तरह ही ट्रीट कर लो, k टाइम्स, ठीक है. तो k टाइम्स sin स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 sin थीटा into cos थीटा, और cos थीटा एज इट इज बैठा है यहां पे, प्लस अब sin स्क्वायर थीटा को एज इट इज रखेंगे एंड cos थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस ऑफ sin थीटा इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, 2 sin theta cos theta, that is the differentiation of sin square theta. Cos theta का differentiation यहाँ पे sin theta रख दिया, dv by d theta को अपन ने 0 किया, क्योंकि अगर मुझे maxima minima चाहिए तो वहां पे f dash x की value 0 होनी चाहिए, है ना. dv by d theta की value वहां पे 0 आ रही होगी. तो इधर से अपन लोग equate कर सकते हैं भाई कि 2 times sin theta into cos square theta is equal to ये minus sin cube theta को उस side भेजा तो plus sin cube theta. तो इधर से अपने पास आ रहा है tan square theta बराबर 2, तो मतलब tan theta बराबर root 2, तो theta आ जाएगा tan inverse root 2, तो semi vertical angle that is tan inverse of root. ओके, तो यहां पे हमारे पास मैक्सिमम वॉल्यूम मिलेगा. चेक करना है कि मैक्सिमम ही क्यों मिलना है यहां पे, तो या तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट का सारा ले सकते हैं या सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट का भी अपन यहां पे सारा ले सकते हैं. तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, तो ये सेशन हमारा रहा जिसके अंदर हमने पूरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स रिवाइज कर लिया है, हर एक टॉपिक को हमने टच कर, ठीक है. तो इसको आप एज ए रिविजन ले सकते हो. बाकी सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अभी कॉन्फिडेंस रखें और कॉन्फिडेंटली अपनी तैयारी करते रहे. माइंडसेट को भी पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है कि एग्जाम तक हम कुछ ना सोचे, इधर उधर भटके ना, डिस्ट्रैक्ट ना हो, और एग्जाम तक हम अपना 100% दे, यही तो दिन आगे जाके याद आएंगे, है ना. अभी जो मेहनत करोगे और अभी जो एक दो महीनों में मेहनत करके आप अपना जो कैरेक्टर डेवलपमेंट कर रहे हो, कल को आगे जाके आपको कभी भी मेहनत करनी पड़े, कल को आगे जाके टफ टाइम्स आए, जहां पे चैलेंजिंग मोमेंट आए, तो इस टाइम से आप स्ट्रेंथ ले सकते हो. ऐसा समय पहले भी आया था, है ना, टफ टाइम मेक्स टफ पीपल, ठीक है. तो अभी अगर टाइम टफ चल रहा है तो आप भी तो आगे जाके टफ बनोगे, इसी मूवमेंट से तो आप आगे जाके स्ट्रेंथ लोगे, है ना. तो इसी के साथ पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, मिलते हैं अगले सेशन में. तब तक के लिए दिस इज योर मैथ्स टीचर कुंदन माकर साइनिंग ऑफ. टाटा, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे.